आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आवर एजुकेशन पर। और इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग के एस्पायर IAS एकेडमी के बाहर, जहाँ पर हम जानेंगे उनके बच्चों से उनकी एकेडमी के रिव्यूज कि आखिर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, वहाँ का फी स्ट्रक्चर कितना है और वहाँ का बैच साइज कैसा है। तो आइए जानते हैं। मैम, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज ज्योतिषा। ज्योतिषा मैम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम बिहार। यू आर फ्रॉम बिहार। मैम, आप दिल्ली में किसी चीज की कोचिंग कर रहे हैं? Yeah, I'm for civil services. Civil services. कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं मैम? I'm doing my tuitions from Aspire IAS. मैम, आप बिहार से दिल्ली आए, तो ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी आपको इस कोचिंग की जो आपने यही ऑप्ट किया? एक्चुअली मैंने बहुत दिनों तक सर्च किया, रिसर्च किया, लोगों से पूछा, बट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स देयर रिव्यूज़ आर वेरी गुड अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, स्पेशली अबाउट द सर, द वे ही टीचेज इट जस्ट गेट इन टू द माइंड्स डायरेक्टली। मैम, बात करें आप बिहार से दिल्ली के अंदर आए और दूसरी चीज़ IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप एक्सपेंसेस वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं? आप एक गर्ल हैं, मतलब थोड़ा प्रेशर होता है ना कि देख के खर्चा करना है और फैमिली की तरफ भी देखना है, तो आप वो सब कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली इस सेंस में देखें तो Aspire बहुत अच्छा है, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट के हिसाब से यहाँ की फ़ी बहुत ही कम तो नहीं है, लेकिन द क्वालिटी ही गिव्स द क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से ये बहुत अच्छी है, क्योंकि टॉप मोस्ट एजुकेशन में जो आप क्वालिटी देखते हो वो हमें यहाँ मिलती है एंड इन कंपेरिजन फ़ी बहुत कम है। ओके, सो आप रिव्यूज़ देख के इधर आए? स्टूडेंट्स के रिव्यूज़, मैंने बात किया लोगों से, जो हमारे भी पहचान के लोग थे उनसे पूछा कि आपने इतने सारे, एक्चुअली सब बहुत लोग हर लोग है, बहुत सारे ट्यूशन में पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज करते हैं, तो फिर जाके तो मैंने जो 5 साल से यहाँ रह रहे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि Aspire के तुम एक बार ज्वाइन करो, कुछ दिन पढ़ के देखो एंड इट्स रियली वेरी नाइस। तो जो उन्होंने बताया क्या सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड? एक्चुअली उससे ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ जो है ना हम समझ लेते हैं क्लास में ही, हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम बिहार से हैं, तो हमें जो हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही अपने तरह से पढ़ाते थे, तो वो हमें यहाँ मिल गया। सर एक एक स्टूडेंट पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं एंड इट्स रियली नाइस, क्योंकि वो इंटरेक्ट भी करते हैं, कुछ एक फिक्स टाइम बना देते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो इट्स रियली गुड, क्योंकि इस टाइम किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई अपना समझ के नहीं पढ़ाता, एवरीबडी इज़ डूइंग द फाइनेंशियल बिजनेस एंड ही इज़ द वन हु इज़ रियली लुकिंग फॉर द गुड रिजल्ट्स एंड हु इज़ इन अ वे टू इम्प्रूव देयर स्टूडेंट्स। चलिए सर की आपने इतनी तारीफ़ की, सर का नाम बता दीजिए और सर क्या पढ़ाते हैं बता दीजिए। सर तो सब कुछ ही पढ़ाते हैं बट सर की जो बेस्ट है ज्योग्राफी, आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई भी उनकी ज्योग्राफी को कम्पीट कर सकता है, इन्वायरमेंट इज़ गुड इन फ्यू सब्जेक्ट्स और उनका नाम है अंकित सर। तो अंकित सर की क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनके डिलीवरी स्टाइल या फिर उनका स्टोरी टेलिंग या फिर उनकी जो भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती? वो हर चीज़ को इस वे में स्टोरी टाइप्स या कुछ इस तरह से चेंज करके समझाते हैं कि वो आपके दिमाग में स्ट्रक कर जाएगा एंड जस्ट फॉर लिटिल रिवीजन की ज़रूरत होती है, उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू। सो आर यू सेटिस्फाइड विद यू? यस, आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। तो कोई ऐसी चीज़ हो जो आप चाहती हैं कि थोड़ी सुधर जाए आपकी कोचिंग के अंदर तो और अच्छा हो जाए? ऐसे तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा हाँ, ये तो जेन्युइन बात है, सबको पता है कि तो टाइम इश्यूज़ होती है, हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, सर थोड़ी सी 5-10 मिनट या आधा घंटे लेट कर देते हैं क्लास स्टार्ट करने में, तो दैट्स द रियली। सो आउट ऑफ 10 आप कितना रेटिंग देंगी अपनी कोचिंग? आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा, आई विल गिव 9। 9, ओके। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर 2021 और 22? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 21। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 21। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। व्हाट्स योर गुड नेम सर? आकाश। आकाश सर आप कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र से। तो आप दिल्ली में किसी चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं? यस। किस चीज़ की कोचिंग? IAS की प्रिपरेशन के लिए। कहाँ से कोचिंग ले रहे हैं? जी मैं Aspire IAS से। Aspire, चलिए सर ये तो हो गई आपकी कोचिंग। सबसे पहले बात करते हैं, आप महाराष्ट्र से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दूसरी चीज़ आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और दिल्ली इतना महंगा शहर है, तो आप एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे कुछ एरियाज जो है जो सस्ते भी है और कुछ महंगी भी है, तो जस्ट आई प्रीफेयर टू चीप रेट, दैट्स व्हाई आई मैनेज दिस। तो आप बताएंगे उन एरिया के बारे में जो और स्टूडेंट्स है वो भी? एक्चुअली कैसे करोल बाग में कुछ एरिया है लाइक रेगरपुरा, यहाँ वहाँ पे तो 4000 या 5000 में आपका मैनेजमेंट हो जाता है एज अ रेंट एज कम्पेयर टू ओल्ड राजेंद्र नगर। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हो तो वहाँ पे आपको 10-15,000 तक रेट देना पड़ता है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से, एक्चुअली आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, दैट्स व्हाई आई चूज दैट एरिया। ओके,
तो सर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो महाराष्ट्र से आपको दिल्ली खींच लाई, मतलब वो भी एस्पायर में, ऐसी क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? एक्चुअली मैंने एस्पायर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था और अंकित सर है यहाँ पे. एस्पायर की एक बात अच्छी लगी कि वेरी चीप रेट में यहाँ पे कोचिंग है, मीन्स मॉड्यूल वाइज स्टडी होती है और हर एक कंसेप्ट जो है प्रॉपरली मैनेज करते हैं. तो मतलब ये नहीं है कि टाइम वाइज आपको वो मैनेज होता है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी पे जो UPSC आपको चाहिए वो एस्पायर रहता है, इसलिए मैंने अदर कोचिंग क्लासेस से एस्पायर ज्वाइन किया है. सेकंड सर, आपने बात की थी कि बहुत चीप है, तो फीस स्ट्रक्चर कितना है यहाँ का? एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग तो वेरी नॉमिनल रेट, मीन्स जैसे अभी हमारी एनवायरनमेंट की बैच चल रही, तो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड मैपिंग शेड्यूल ये पूरा 15,000 में एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग में या तो 40,000 to 50,000 तक के पे करते. लेकिन सर की ये है कि हर एक जो नीचे से लेके हर एक बच्चों को पूरा बेनिफिट मिले, इसलिए सर ने वो फीस स्ट्रक्चर रखा है. सर बात करते हैं, तो बात होगी फीस स्ट्रक्चर की, अब बात करते हैं अगर हम आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे बैच में कम से कम तो 100 से आउट ऑफ स्टूडेंट है ही, 100 to 200. क्या तो सर इजी होता है डाउट क्लियर कर पाना? 100 क्वेश्चन आते हैं 100 बच्चों के दिमाग में, तो वो क्लास के ड्यूरेशन एक सेकेंड बेनिफिट क्लास का है कि सर इंडिविजुअली सर से इंटरेक्शन करते हैं मंडे एंड थर्सडे को, एंड दिस इज द 2 डेज. एंड सर क्लास में भी लाइव और टेस्ट लेते रहते हैं, मतलब पर्सनली पूछते हैं हर एक को. कल ही हमारी टेस्ट हुई और सब क्लास खड़ा था, मतलब सर की पर्सनली हर एक की टेस्ट ली है. तो सर बात करते हैं कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे तो डायरेक्टर सर ही है, अंकित सर. सर कुछ पढ़ाते हैं? यस सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं. एक्चुअली सर होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, न्यूज़पेपर बैच और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सर ही पढ़ाते हैं. तो सर की क्या चीज़ आपको पसंद है, उनका टीचिंग स्टाइल, उनका डिलीवरी, मतलब या फिर स्टोरी टेलिंग, क्या चीज़ अच्छी लगती है सर की? एक्चुअली सर का मुझे एक किसी के कंसेप्ट को जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो हम मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाता है. वो की कंसेप्ट हो या स्टोरी राइटिंग में हो या उसमें जो बेसिक फैक्ट्स रखते हैं जो कि जो आंसर राइटिंग में काम आ सके या PT के लिए, वो सेग्रीगेट कर देते हैं. दिस दैट कंसेप्ट टू रिलेटेड टू PT, दैट कंसेप्ट टू मिलेट में, एंड हाउ टू कंबाइन दोज कंसेप्ट एंड दोज फैक्ट्स इन वन आंसर. अगर मैं बात करूं कि आप कोई ऐसी कोई एक चीज़ हो जो आप चाहते हैं कि थोड़ी सुधर जाए तो और बेनिफिट हो जाए आप लोगों के लिए, ऐसी कोई चीज़ रिलेटेड टू कोचिंग? एक्चुअली इस कोचिंग में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो मुझे उसमें कुछ डाउट नहीं है. एक्चुअली मैं अच्छे कोचिंग पे आया हूँ, ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है. तो आउट ऑफ 10 आप कितना देंगे अपनी कोचिंग? मैं तो 100 out of 99. नाइन, एक पॉइंट किस लिए काटा आपने? एक पॉइंट मीन्स नो वन इज़ परफेक्ट, तो मे बी कुछ हो सकता है कि कुछ फॉल्ट हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो लेकिन सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. इसी के लिए आपने एक डिडक्ट किया? तो 1%, लेकिन टीचिंग में 100 out of 100. अच्छा, तो सर आर यू प्रिपेयरिंग फॉर 20, 21 or 22? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 21. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर. गुड नेम सर? माय नेम इज़ आलेक. आलेक आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम गुजरात, सूरत. गुजरात से आप दिल्ली जैसे महंगे शहर में आप कैसे हैंडल करते हैं अपने खर्चों को? लाइक डिपेंडेंट अपॉन पेरेंट्स, इट्स वेरी क्लियर. ओके, अभी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बेसिकली अभी मैं सेकंड ईयर DU का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं IAS की प्रिपरेशन UPSC CAC की कर रहा हूँ. साथ साथ आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ से आप कर रहे हैं? एस्पायर IAS. ओके, आप मुझे वहाँ का फीस स्ट्रक्चर बता सकते हैं थोड़ा? फीस स्ट्रक्चर तो अगर मैं कहूँ पूरे राजेंद्र नगर या पूरे दिल्ली में कहूँ तो मतलब आप देखो तो रिजल्ट्स इस लेवल के हैं कि लाइक बड़े से रैंक 1 निकल रहे हैं एंड फीस मेले 20,000, 10,000, 15,000. इस तरीके से एक एक कोर्स डिपेंडेड है. लाइक तुम्हें जिस प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का ये है, दूसरों की तरह 1 lakh पैकेज वाला UPSC 12 वाला सीन तो नहीं है यहाँ पे. अफोर्डेबल है यानी फीस? ओके, अगर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर बैच साइज क्या है, एक बैच पे कितने बच्चे हैं? बैच साइज अगर मैं बोलूँ तो लाइक अगर मैं बात करूँ तो लाइक 60 to 70. 60 to 70 बच्चों का टीचर्स के साथ इंटरेक्शन इजीली हो जाता है, मतलब टीचर्स क्वेरी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 60 to 70 यानी रोज के 60 से 70 क्वेश्चंस दिमाग में आना. मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सर हमें पढ़ाते क्लास के अंदर, सर की एक खूबसूरती बात वाली ये कि शायद ये पूरे किसी कोचिंग में नहीं मिले, इसलिए शायद मैंने ज्वाइन किया, वरना मेरे पास तो थे, मैं 1 lakh भर के कहीं और भी कर रहा होता.
सर क्या करते हैं, डायरेक्ट क्विक क्वेश्चन करते किसी को भी, लाइक तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि तुम पढ़ के आओ। मैं कुछ फ्रेंडों में जानता हूँ, मेरे बहुत से फ्रेंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जस्ट जाते अपने नोट्स लाते घर पर डाल देते हैं, सर कंसेप्ट क्लियर करते, सर ये 50,000 पूछते किस किस को प्रॉब्लम है और मैं लिख के, तो उसके बाद भी सर पर्सनल मिलते कि अगर आपको अगर यू इससे कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे, लाइब्रेरी इश्यूज हो रहे, लाइक ये ऐसा एक मेंटर मिला तो मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। आप सर की इतनी तारीफ कर रहे हैं, सर का नाम भी बता दीजिए। अंकित सर है और उनकी जो फैकल्टीज भी ऐसे नहीं कि अंकित सर ही, मतलब अंकित सर है तो और उनकी फैकल्टीज भी उनके दमदार है, मतलब वन मैन आर्मी वाली सीन तो थी, पर अब तो सर ने अपने से और भी लोगों को ले आए इसके इंस्टीट्यूशन के अंदर और मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया। अगर मैं बात करूं कि आप स्टडी मटेरियल की, तो जहां पे स्टडी मटेरियल मिलता है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है आप लोगों? मैं आपको एक बात बोलूं, राजेंद्र नगर में 500 मेरे फ्रेंड जो नोट्स लाते हैं उनके ऊपर इतने बड़े लक्ष्मीकांत के ही वो छापा मार के देते हैं, जो बुक्स उसी के छापा मार के देते हैं, परंतु जो सर हैं जो इतना लिक्विड इतना एक्यूरेट नोट्स बनाते कि तुम्हें टेंशन नहीं आती, उनके जो नोट्स अगर मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल भी अगर उठा के देख लूँ दिखाऊंगा तो यूपीएससी के, ऐसा नहीं कि सर ने देख के बना दियो, ये उनकी क्रेडिबिलिटी की हर साल उनके नोट्स में से क्वेश्चन आए हैं आए हैं आए हैं, इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने देखे लोगों के पास बहुत से बुक्स है बहुत से मटेरियल फिर भी यूपीएससी क्रैक क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये कि यूपीएससी जो डिमांड कर तुम वो पढ़ो और सर उसी के ही नोट्स बना के दे, तुम्हें एक्स्ट्रा नोट्स जो फालतू के जो नॉलेज है नहीं वो सर नहीं करते, एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मतलब मेरा टाइम बच रहा है इस चीज से, मैं और रिवीजन कर पा रहा हूं। दैट्स रियली गुड। एंड व्हाट अबाउट वीकेंड क्लासेस, यहां पे वीकेंड क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है? जैसे कि वीकेंड का तो मुझे उसका इतना आईडिया नहीं क्योंकि मैं तो लाइक मेरा थोड़ा रेगुलर, बट वीकेंड भी हम नहीं कह सकते क्योंकि सर लाइक एक हफ्ते में 4 दिन तो रखते ही, और सर का ये मेन है कि सर का ये कहना है कि अगर तुम अगर लाइक अगर तुम ऐसा नहीं कि तुम लाके एक जैसे कि सर ने कितने इंस्टेंस बताया कि 18 साल के बच्चे आ रहे अपने कॉलेज को ध्यान ना देके, कॉलेज का ध्यान ना देखे, वो लोग ये कहते हैं कि लाइक है ना हम यूपीएससी डायरेक्ट, पर सर बोलते हैं तुम्हारे कॉलेज को भी ध्यान दो और तुम इसको भी ध्यान दो, तो सर बोले तुम दोनों को मेंटेन करो और अगर तुम्हें अगर प्रॉब्लम पड़े तुम पर्सनली आके मुझसे पूछ सकते हो कोचिंग का क्या है क्या नहीं। Okay. अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो आप क्या बोलेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर आना चाहिए? इंप्रूवमेंट देखो हर चीज़ क्रिटिसाइज होती है, मैं क्रिटिसाइज करूँगा कि अंकित सर आप हमें 24 घंटे और पढ़ाओ, क्योंकि आईएएस बोलते हैं लोग निकालते मतलब फर्स्ट टाइम में तो निकल ही जाए, क्योंकि सर अगर सर का जो प्रेशर है अगर वो ना होना तो यूपीएससी को, जैसे मैं क्रिटिसाइज करूँगा सर आप 24 घंटे हमारे और आ जाओ तो मतलब हो ही जाए। आपको क्यों लगता है कि आपको जो इंस्टीट्यूट है वो बाकियों से बेटर है? देखो बेसिकली मैं लाइक आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड लेडी श्रीराम कॉलेज जहाँ से टीन डाबी मैम भी रैंक 1 निकली थी, तो काम्या मिश्रा जिन्होंने इस बार रैंक हासिल की थी वो इस कोचिंग में एक बार प्रेजेंट थी, तो मैं उनसे पर्सनली जॉइंटेड हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि यू शुड जॉइन एस्पायर, क्योंकि कोई प्रोफेसर भले कुछ भी आ रहा है वो जैसे कि कोई ड्यू के प्रोफेसर आके कहीं पे पढ़ा रहे तो वो अपना ड्यू का ज्ञान दे रहा है पर उस बंदे को यूपीएससी की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे यूपीएससी की ही नॉलेज दी जाती है कि जो तुम्हें पर्टिकुलर पढ़ना है वो तुम्हें बताया जा रहा है, इतने से ये पढ़ना है इतने से वो पढ़ना है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ का देखो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना यूपीएससी फिर अपना भाग जाता है और कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर होता है, इसके लिए मैं बिल्कुल। और आउट ऑफ 10 आप कितने देंगे अपने इंस्टीट्यूट? तो मैं 100 दे दूँ, आपने 10 पूछा मैं तो 100 आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं आप? मैं इतना मतलब सेटिस्फाइड क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था, मैं खुद अपने पर्सनल बात मेरे अंदर एक फियर था कि यार ये क्लियर नहीं हो रहा ज्योग्राफी में, ये नहीं हो रहा, ये मतलब है ना ये क्रस्ट मेंटल कोर कहाँ से आ गया, ये पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आ गई, सर ने इस चीज़ से बताया कि हमें लगा हमें कहानी सुना रहा है एंड यूपीएससी एक स्टोरी हो गई मेरे लिए यहाँ पे, यार आगे अगर जर्नी में अगर होता भी नहीं है ना तो मैं कुछ गेन करके एक्स्ट्रा जा रहा हूँ यहाँ से वो चीज़ में। सर आप 2020 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं 21? मेरे को भी 3-4 साल बाकी है, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा चलिए ठीक है सर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। तो ये थे एस्पायर आईएएस एकेडमी के रिव्यूज़, ऐसे ही कुछ और रिव्यूज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल आर एजुकेशन पर, और हमारी वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम।